वेलकम फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में यूज होने वाले जो एब्रिविएशन है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो आए दिन जब भी आप कभी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस लेते होंगे या कभी ज़रूरत पड़ी होगी इसकी, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे सिंबल्स या कोडिंग्स की इस्तेमाल की जाती है उसमें। तो जो कॉमन पीपल उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एक हेल्पफुल वीडियो है ये, ताकि आप प्रिस्क्रिप्शन से जो भी कोडिंग या सिंबल यूज़ किया गया है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दवा का यूज़ करना है या क्या क्या उसमें मेंशन है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है RX, या उसको बोल सकते हैं PX, उसको उससे आप समझ सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि वहीं पर मेडिसिन की नाम, यानी कि मेडिसिन का नाम उसके नीचे लिखा जाएगा। तो जब भी आप पर्ची या डॉक्टर जब उसको प्रिस्क्रिप्शन यानी कि मेडिसिन नेम मेडिसिन का प्रोवाइड करेगा, तो जो दवा विक्रेता है या जो रिटेलर है वो उसको समझ जाएगा देख करके कि यही मेडिसिन का नाम है, ठीक है, या उसके नीचे मेडिसिन लिखा हुआ है। तो उस तरीके से है। फिर दवा के नाम के बाद आप देखते होंगे कि डॉक्टर या तो आपको बता देता हो कि इसको सुबह शाम लेना है या कैसे लेना है, यानी कि दवा इंटेक कैसे करना है। तो उसके भी बहुत सारे मेथड है, यानी कि दिन में एक बार या रात में या दो बार, इस तरीके से। तो उसकी कोडिंग्स जो है वो इस तरीके के है, यानी कि ओडी मतलब वंस अ डे, यानी कि दिन में एक बार दवा को आपको लेना है। फिर आता है BDS, BDS का मतलब है टू टाइम्स अ डे। फिर TDS यानी कि थ्री टाइम्स अ डे। फिर आता है UD यानी एज डायरेक्टेड, यानी कि जिस जैसा कहा गया है उस तरीके से। तो इस तरीके में आप देख लिया कि OD, BDS और TDS इस तरीके से लिखा हुआ है कि एक बार दिन में लेना है या दो बार लेना है या तीन बार लेना है। जनरली ये जो सारे वर्ड्स हैं ये लैटिन या ग्रीक वर्ड से डिराइव किए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ की इसका इंग्लिश मीनिंग और इसका जो फुल फॉर्म टाइप का है वो एक साथ मैच नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट में देखते हैं जो 6 नंबर पे है QW या Q.W के, यानी कि कोई भी मेडिसिन है उसको आपको वीकली लेना है, इस तरीके से है। फिर आता है QDS यानी कि 4 टाइम अ डे, यानी कि दिन में आपको 4 बार लेना है। फिर QH यानी कि आवरली आपको उसको लेना है मेडिसिन को। फिर आता है QHS एवरी नाइट एट बेड टाइम, यानी कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो रात के समय सोने से पहले लिया जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है QHS। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो इन सारे कोडिंग्स यानी कि जो यहाँ पे एब्रिविएशन है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है सभी को समझने के लिए। फिर Q अगर रहे उसका मतलब है एवरी, तो उसी प्रकार Q1D यानी कि एवरी डे लेना है, डी से हो गया डे, यानी कि एवरी डे प्रत्येक एक दिन पे लेना है। अगर Q1H है यानी कि एवरी आवर है, उसी तरीके से Q2D अगर हो जाए तो वो एवरी टू डे पे दवा को इंटेक करना है, यानी कि लेना है। फिर नीचे आता है Q2H, इसका मतलब एवरी 2 आवर्स, यानी कि प्रत्येक 2 घंटे पे लेना है। अगर Q3H रहे तो 3 घंटे पे, Q4H रहे तो 4 घंटे पे, उस तरीके से वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर आता है PC, PC का मतलब है आफ्टर फूड, यानी कुछ दवाइयाँ जो होती हैं जो खाने के बाद ली जाती हैं और कुछ खाने के पहले। जनरली जो गैस की दवाइयाँ होती हैं वो खाने के पहले ली जाती हैं, तो उसके लिए अलग इस्तेमाल की जाएगी। फिर हो गया PC मतलब आफ्टर फूड, PO मीन्स ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ओरली उसको लेना है। QOD मतलब अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन बीच करके आपको उसको दवाइयाँ लेनी है। SOS का मतलब हो गया व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको ज़रूरत हो तभी दवाइयाँ खाएं, जब ज़रूरत ना हो तो ना खाएं, जैसे कि नींद की दवाइयाँ वगैरह, उसके लिए SOS का इस्तेमाल किया जाएगा। STAT का मतलब होगा विथ नो डिले, यानी कि अगर आप इमरजेंसी में कभी गए हुए होंगे या विजिट किए होंगे तो STAT यानी कि तुरंत इनको देना होगा, यानी किसी तरह के ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो दवाइयों के लिए STAT का यूज़ किया जाता है कि इमिडिएटली इनको बिना किसी डिले के दवाई दी जाए। QS मतलब इनफ क्वांटिटी में, कि जितना ज़रूरत हो उतना ही आप दवा लें। फिर आता है IV यानी IV मीन्स इंट्रावेनस, यानी कि वेन में जब भी कोई इंजेक्शन वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती है तो उस समय IV या IM उसमें बताया जाता है कि उसको वेन में उसको इंजेक्ट करना है या मसल्स में इंजेक्ट करना है, तो इसलिए IV IM। IM मीन्स इंट्रामस्कुलर। फिर आता है कैप्सूल, तो कैप्सूल के लिए कैप इस्तेमाल किया जाएगा। INJ मतलब इंजेक्शन के लिए INJ यूज़ किया जाएगा। ID मतलब इंट्राडर्मल। फिर IP आता है इंट्रा पेरिटोनेलियल। तो इस तरीके से है, ये सब सारे एब्रिविएशन है। तो मुझे लगता है कि आप जब नेक्स्ट बार कभी दवाई अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो उनमें अगर कभी सिंबल यूज हुए होंगे इन तरीके के, या एब्रिविएशन ये इस तरीके के यूज हुए होंगे, तो आप आसानी से इन चीज़ों को याद रख पाएंगे या समझ पाएंगे कि उनका क्या मतलब है, आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़ेगा। तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।